तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि ब्लूटूथ प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। अगर आपके में और ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर रहे हो, आपके में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। क्यों कनेक्ट नहीं होता वो भी हर एक आपको उसमें कारण सब कुछ मिलेगा। तो आइए शुरू करते इस वीडियो को। तो सबसे ये है मेरे पास इन्फिनिक्स का फ़ोन। आप किसी भी फ़ोन में इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टिप्स तो ये होता है कि अगर आपका थोड़ा बहुत है और ब्लूटूथ पर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर ले, यानी कि रीस्टार्ट कर सकते हैं फ़ोन को। एंड और थर्ड टिप्स ये होता है, सेकंड टिप्स ये होता है कि ये फ़ोन आपका तब मतलब ब्लूटूथ तब कनेक्ट नहीं होता है जैसे कि आपका फ़ोन अगर चार्ज नहीं 30 से ऊपर नहीं है बैटरी आपकी फ़ोन की, तो आपका जो है ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होगा। और साथ ही वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए तभी आपको ब्लूटूथ कनेक्ट होगा। और जिसमें आप कनेक्ट कर रहे होते हैं जैसे कि हेडफोन है ये, एंड इसका ऑन करेंगे यहाँ से ब्लूटूथ, तो वो भी फुल चार्ज होना चाहिए। फ़ोन भी 30 से तो ऊपर होना ही चाहिए चार्ज, और उसके बाद आपका कनेक्ट हो सकता है वैसे नहीं हो सकता। एंड अगर इस वाईफाई भी कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट उपलब्ध होना चाहिए तभी आपका कनेक्ट होगा। तब और ये सब होने के बाद भी आपका कनेक्ट नहीं होता है तो वो आपको उसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना होगा। और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है लास्ट में सिस्टम का ऑप्शन, और आप इस पर क्लिक कर देंगे सेटिंग के लास्ट में सिस्टम पे जाएंगे, और इसके बाद आपको रीसेट ऑप्शन पर जाना होगा। एंड इस पर जाने के बाद आपको यहाँ दिखता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, एंड आप इस पर क्लिक कर देंगे। और नीचे आपको यहाँ दिख जाएगा रीसेट और सेटिंग्स, एंड आप इस पर क्लिक कर देंगे। जो भी आपने स्क्रीन लॉक लगा रखे हैं उसे ड्रॉ कर लेंगे, एंड रीसेट सेटिंग आएगा दोबारा से ऐसे रीसेट कर देंगे। और रीसेट करते एक नोटिफिकेशन आएगा यानी कि आपका नेटवर्क रीसेट हो चुका है। और फ्रेंड्स और जैसे आपका नेटवर्क रीसेट होता है जो भी ब्लूटूथ प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। और ब्लूटूथ प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्व कर अगर आप ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नेटवर्क रीसेट करें, वाईफाई कनेक्ट पहले से डिसकनेक्ट हो जाता है और दोबारा कनेक्ट करेंगे तभी आपका मतलब कनेक्ट हो जाएगा तब। एंड दोबारा कनेक्ट करते हैं तो एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता नेटवर्क को रीसेट करने से। तो इसी तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ब्लूटूथ प्रॉब्लम। एंड गाइस वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार।